माता है। मैं माता पहले आप लोग सबको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आप लोग पर्याप्त पानी पहुँचाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे, चाहे उसको फिल्टरेशन का प्लांट लगाना पड़े, चाहे हम लोगों को रूप से लाने की बात पड़े। मैं समझती हूँ कि आपके साथ बैठ के आपके इस पानी की समस्या को एक सभा के लिए खत्म करने का काम अलग से सही
रुपए से ज्यादा नहीं मिलती, वो भी ट्रिपिंग के साथ। और खराब जो भी आप लोगों के काम है, अघोषित कटौती इतनी हो रही है, लोग परेशान होकर कहते हैं कि हमें मालूम हो जाए कि बिजली आप लोगों से रहेगी तो हम उसके साथ से अपना काम शुरू कर सकते हैं। पदमपुर के सरकारी अस्पताल के अंदर आज 7 साल में सिर्फ 4 डॉक्टर हैं, क्या ये सही है? 7 डॉक्टर होने चाहिए, वहां 4 डॉक्टर है। और ये भी है कि 4.5 साल से महिला डॉक्टर नहीं, सवारी व्यवसाय लेना हो कितना खर्च होता होगा ये मैं बता दूं कि 4 सप्ताह के 5 सप्ताह हर एक में मैंने ये प्रश्न पूछा और मेरे को कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं मिली। समझ में नहीं आता कि महिला डॉक्टर गए कहां, ये क्यों नहीं रहे क्षेत्र के सर्विस की रहे। मैं तो लोगों को सबको ये कहती हूँ कि आज शिशु रोग का चिकित्सक नहीं, इमरजेंसी सेवा बिल्कुल ठप हो गई और सड़क हादसों के अंदर राजस्थान आगे बढ़ा। आज महानरेगा
राजस्थान के अंदर 66 साल लोकतंत्र के, मेरे 5 साल और भैरवी जी के 7 साल निकाल दीजिए, 12 साल निकाल दोगे तो 53 वर्ष एक ही पार्टी को मिला। आगामी नरेंद्र मोदी हमको राज्य का मिल जाता तो राजस्थान का चमन हो जाता। 53 साल के अंदर राजस्थान की मट्टी परीक्ष करके छोड़ी है कांग्रेस ने, अब बहुत हो गया। मैं समझती हूँ अब आप लोगों को कहना पड़ेगा कि हमें किसी के घर नहीं बनाने, हमें किसी के बच्चों की शादियां नहीं करवानी, हमें अपने परिवार और अपने भविष्य को बनाना है और हम लोग सब मिलके एक हफ्ते में चलेंगे तो राजस्थान एक नए राजस्थान का विकास होकर ही रहेगा। मेरे किसान भाइयों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैंने जयपुर में पढ़ा कि जब पाला पड़ा था यहाँ जब आपकी फसल नष्ट हुई थी तो आप लोगों का एक जोरदार मुआवजा मिला, जिसके अंदर बिजली के तार लगाए गए, जिसके अंदर एक पैकेज बनाया गया और उस पैकेज में आपको बहुत सारे पैसे भी मिले। मिला क्या आप देख लेंगे अभी आज वहां भी शपथ
हिम्मत है